हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इटली टी10 मैच की, जो कि दोस्तों ये मकाला फिनलैंड बनाम ऑस्ट्रिया के बीच ये मकाला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, लास्ट टाइम मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, फिनलैंड से जॉर्डन, अवशेष कुमार, एंसलोनेन, फारूक जैब, अमजाद सैफ जो कि दोस्तों कैप्टन है फिनलैंड के, एफ नेलनजेरी, एसरी दंदापनी, अंदन अहमद, जुनैद खान, राज मोहम्मद एंड सुमित सिंह। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि फिनलैंड की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया की प्लेइंग 11 की। इमरान आसिफ, इकबाल हुसैन, रजमल सिंह इकबाल, अकीब इकबाल जो कि दोस्तों कैप्टन है ऑस्ट्रिया के, करणवीर सिंह, ए अकबरजन, अरसलन आरिफ, शहीद जदरन, उमैद तारिक, आई दीदार, वसीर खान। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि ऑस्ट्रिया की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बता दूं दोस्तों ये मुकाला जो कि 24 सितंबर संडे को ये मुकाला शाम को 6:45 पर रोमा क्रिकेट ग्राउंड इटली में ये मुकाला खेला जाएगा। बात करूँ मैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों आपको बता दूं बैलेंस्ड पिच है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों जो कि बैटर्स को ये पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड 2.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करूँ फ्रेंड्स स्टेडियम की अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो फ्रेंड्स टोटल मैच जो कि 3-5 खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने यहां पर 2 मुकाले विन किए हैं एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने यहां पर 3 मुकाले विन किए हैं। परसेंटेज की बात करूँ बैटिंग फर्स्ट वन 40% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 60%। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर आया वो 99 रहा है एंड सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 98 रहा है। फ्रेंड्स हाइस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो दोस्तों 125 विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट वेंटेड जो कि दोस्तों 99.5 विकेट के साथ, एंड ओवर टोटल 73.10 विकेट के साथ। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो दोस्तों 182 विकेट के साथ। बात करूँ फ्रेंड्स मैच व्यू की, उससे पहले दोस्तों ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ ऑस्ट्रिया जो कि गुड फॉर्म में है, रिसेंट मैचेस में इसके जितने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजो 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन। आज का टॉस है फिनलैंड टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ तो दोस्तों अमजाद शेर को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड राज मोहम्मद को एज ए कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ तो दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड वाला नहीं खेला गया, लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोड पर देख सकते हो। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए, एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। विकेट कीपर में दोनों सही हैं, आप किसी एक को जरूर सेलेक्ट करिए, एंड पेसर्स का स्पिच पर जादू रहने वाला है। फ्रेंड्स बात करो फ्रेंड्स विनिंग प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों ऑस्ट्रिया जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ फिनलैंड टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं और ऑस्ट्रिया की अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करो फ्रेंड्स मुख्य खिलाड़ी जो कि फिनलैंड के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, जॉर्डन ओब्रिन, फारूक जैब, अमजद शेर, एफ नेलनजेरी, अदनान अहमद एंड राज मोहम्मद। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि फिनलैंड के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। फ्रेंड्स बात करूँ फ्रेंड मुख्य खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रिया के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, इमरान आसिफ, इकबाल हुसैन, अकीब इकबाल, करणवीर सिंह, शाहिद जदरन जो कि दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि ऑस्ट्रिया के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। बात करूँ फ्रेंड्स बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक फिनलैंड टीम की ओर से रहे हैं, जॉर्डन ओब्रिन, अवशेष कुमार, एंसलोनेन, फारूक जैब, अमजाद शेर। दोस्तों आप ये वेस्ट ऑर्डर देख सकते हो जो कि फिनलैंड की तरफ से वेस्ट ऑर्डर रही हैं, इनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। फ्रेंड्स बात करूँ वेस्ट ऑर्डर जो कि अभी तक ऑस्ट्रिया टीम की ओर से रही हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, इमरान आसिफ, इकबाल हुसैन, रजमान सिंह इकबाल, हकीब इकबाल एंड करणवीर सिंह। दोस्तों आप ये वेस्ट ऑर्डर देख सकते हो जो कि ऑस्ट्रिया टीम की ओर से वेस्ट ऑर्डर रही हैं। बात करो वाइस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों फारूक जैब को एज ए स्मॉल लीग में आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड दोस्तों अमजाद शेर को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे।
इमरान आसिफ एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों आकिब इकबाल को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इंजर्ड की बात को मैं तो आपको बता दूँ, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। अपनी फैंटेसी टीम की बात को मैं तो आपको बता दूँ, विकेट कीपर में जो कि मैंने दोस्तों जियो विन को दोस्तों अपनी विकेट कीपर में सेलेक्ट किया है। एंड दोस्तों बैट्समैन में आर सिंगवाल, आई हुसैन एंड आई आसिफ एंड एफ सेफ को दोस्तों मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। ऑलराउंडर मैंने दोस्तों एस एयर ए इकबाल एंड एन सलोनैन को दोस्तों मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स। एंड बॉलर में एस जतरन, एस डी दादा एंड ए अकबर जन को दोस्तों मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ तो दोस्तों कैप्टन जो कि मैंने दोस्तों आई आसिफ को कैप्टन बनाया है एंड वाइस कैप्टन दोस्तों एस एयर को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन बनाया फ्रेंड्स। जो यहाँ पर फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई, वो वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।